अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप आई होप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक अल्लाह के फसलों करम से तो आज के व्लॉग का स्टार्ट जो है मैंने किया है यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स की तरफ गई हुई थी तो ये सेकंड डे है दो दिन के लिए गए थे हम लोग तो, तो सेकेंड डे जो है हम लोग गए थे खेतों पे, पर ज़मीनों पर गए थे हम घूमने फिरने के लिए सैर वगैरह करने के लिए तो आज का जो व्लॉग है वो इसी से रिलेटेड है ज़रूर वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा और ब्लॉग अगर आज का पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ उस चैनल पर अगर हो तो ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो यहाँ पे जी फर्स्ट प्लेस जो हमारा था सैर व तफरी के लिए वो था नहर नहर पर आगे थे हम लोग खेतों में जो है वो एक साइड पे जो है नहर गुजरती है जिससे किसानों को जो है पानी प्रोवाइड किया जाता है ज़मीनों को लगाने के लिए तो ये वही वाली नहर है तो बचपन में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जाया करते थे बहुत मज़ा आता था बहुत इन्जॉयमेंट होती थी, थी तो आज मैंने कहा चले बचपन की यादों को भी ताज़ा करते हैं और इस तरह के प्लेसेस पे जाकर जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बहुत नेचुरल ब्यूटी जो आपको देखने को मिलती है अल्लाह ताला की कुदरत तो जी नहर पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे और उसके बाद हम आगे थे यहाँ पे बागात वाली साइड तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अमरूद वगैरह जो है कम लगे हुए थे तो भाई पहले कह रहे थे कि इधर नहीं चलते हैं दूसरी साइड चलते हैं तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं हम चेक कर लेते हैं तो नहर से आते हुए ये वाली ज़मीनें जो हैं ये रास्ते में पड़ती हैं तो अब हम जो है दूसरी साइड जा रहे हैं उसका और इसका जो है डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन तो पाँच मिनट का है तो गाड़ी पे हम लोग इसी आए थे ताकि जल्दी जो है वापसी हमारी हो जाए घर क्योंकि हमने घर के लिए भी निकलना था तो इसलिए जो है हम दूसरी साइड जा रहे हैं अब घूमें फिरेंगे वहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि जाना है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह के प्लेसेस पे जाकर बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं तो पीछे बेटा मेरा जो है सुभान वो बाइक पे आ रहा है और हम लोग सब जो हैं वो गाड़ी पे थे गाड़ी में एडजस्टमेंट जो है सेटिंग नहीं हो रही थी तो मैंने कहा बाइक पे आ जाओ तो बेटा जो है वो बाइक पे आ रहा है अब तो जी निकल आए हैं हम लोग गाड़ी से बाहर और आता जो जलते हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर साइडों पर ये फसल ये चावल की काश्त तो हो रही है यहाँ पे तो आदमी वगैरह लगे हुए हैं हम लोग उधर भी जाने लगे थे लेकिन भाई ने मना किया कि मज़दूर लगे हैं वो काम वग़ैरह कर रहे हैं तो आप लोग जहाँ एक साइड पे चले जाएँ तो हम इधर आ गए थे बागात में दूसरी साइड से तो हम हो आए थे वहाँ पे अमरूद वग़ैरह जो हैं कम लगे हुए थे बता रहे थे भाई अभी कुछ ही दिन पहले उतरे हैं तो वहाँ पर अमरूद जो हैं कच्चे वाले थे तो ये देखें जी आते साथ ही हम लोगों ने कर दी बिसमिल्ला और स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने अमरूद तोड़ना तो बच्चे भी माशाल्लाह लगे हुए थे सारे ही कर रहे थे ये देखें आप अब्दुल हादी को उसने लेमन भी तोड़ के हाथ में पकड़े हुए हैं अमरूद भी पकड़े हुए हैं और साथ साथ जो है बच्चे नलका लगा हुआ वा यहाँ पर वाश कर करके खा भी रहे हैं अमरूद तो दे ये देखें आप माशाल्लाह मुझे तो जो है खाने से ज़्यादा अमरूद तोड़ने का मज़ा आता है अमरूद लेमन माल्टी वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं तो अभी तोड़ते हैं हम जो जो पके हुए अमरूद हमें नज़र आएंगे वो हम तोड़ते जाएंगे साथ साथ तो वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको आज का वो मेरा पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ तो बच्चों माशा बहुत ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये देखें किस तरह फ्रेश माशाल्लाह लेमन जो है वो लगे हुए हैं फुल जूसी जूस से भरे हुए हैं ये और बाद इसके अंदर जो है पीले पीले हुए हैं फुल पके हुए भी हैं तो लेमन भी मैंने तोड़े और बाद में देखेंगे इनको यूज़ कहाँ पे करना है तो ये देखें तो मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी मेरा ब्लाग जो है वो लेंथी बन चुका था तो इसलिए जो है मैंने फिर इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो जो है वो देख के व्यूवर्स बोर हो जाते हैं तो इसलिए मैंने इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी तो यहाँ पे जी बस मेरा ध्यान जो था ना पूरा वो अमरूद तोड़ने की तरफ था और माशाल्लाह से मैं हर साइड पे घूम फिर रही थी सारे हम घूम फिर रहे थे सिस्टर्स भी आई हुई थी साथ तो भाभियाँ जो हैं घर पे खाना वगैरह रेडी कर रहे थी क्योंकि हमने जाके जो है वापसी थी हमारी घर के लिए निकलना था तो वो लोग खाना रेडी कर रहे थे तो हम फिर आ गए ज़मीनों पे मैंने कहा चले हम फिर आते हैं तो यहाँ पे मैंने लेमन वगैरह भी काफ़ी तोड़े अमरूद वगैरह भी और माल्टे भी माशाल्लाह तोड़े हैं हम लोगों ने तो ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग जो है खेतों से क्या क्या लेके आए थे तोड़ के बाकी आप देख तो रहे तो ये देखें जी अब्दुल हादी को माशाल्लाह अब्दुल हादी ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और छोटू ऋर्जा को भी लेके आए थे तो यहाँ पे जी मेरा कैमरा जो है वो स्टिल हो गया स्टिल तो नहीं कह सकते आप मैंने इसको एक जगह पे जो है राखिए फ़ोन को ऐसे हाँ नहीं छोड़ दिया था तो मुझे अमरूद बड़े बड़े नजर आए तो मैं वो तोड़ना स्टार्ट हो गई ये देखें फुल पके हुए अमरूद लगे थे तो बहुत इन्जॉय किया हम सब ने बहुत मज़ा आया तो आप भी जब ऐसे किसी भी प्लेस पे जाएं मुझे तो मैं सही बताऊं आपको ये फलियाँ लगी हुई हैं नीचे जहाँ से मैं गुजर रही हूँ तो ऐसे जितने भी प्लेसेस हैं मुझे याद जा के वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है और बेसाख्ता जो है ऐसी चीज़ें के आपके मुंह से निकलता है कि सुबहान अल्लाह मेरे अल्लाह ताला की कुदरत तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा जो है आपको इस तरह के प्लेसेस पे आता है जहाँ पे नेचुरल चीज़ें आपको देखने मिलती हैं और इन्जॉय करते हैं आप आंखों को भी अच्छा लगता है बहुत फ्रेश फ़ील करता है बंदा तो ये देखें जी आप बच्चों को तो ये मेरी भान जी साथ आयत और ये है जी अब्दुल हादी तो जो छोटे बच्चे हैं चल फिर नहीं सकते वो तो सुकून से बैठे हुए हैं जैसे हमारा है इरतज़ा भी है और बाकी भी तो ये लगे हुए हैं जी नलका लगा है यहाँ पर अमरूद वहाँ से वाश कर कर करके खा रहे थे बच्चे और साथ घूम फिर रहे थे तो ये एक छोटा कमरा रूम सा बना हुआ मट्टी का इसके अंदर फालतू की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं और साथ में चारपाई वग़ैरह बैठने के लिए जब बारिश वग़ैरह कुछ हो इस टाइप का दो साइड पे जो है इस तरह से बैठ जाते हैं इसमें तो जी अब हम लोग जो हैं वो निकलने लगे थे वापसी के लिए तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो हैं खेतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये होगी जी हमारे घर के लिए वापसी तो जाके अब घर जाएंगे तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़मीनों से खेतों से क्या क्या तोड़ के लेके आए थे हम लोग तो ये देखें माशाल्लाह आती हुई सर सब्ज फ़सलें भी आपको दिखाई दे रही होंगी तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा वीडियो पसंद है लाजमी लाइक कीजिएगा थम्सअप दीजिएगा तो ऐसे ही किसी अच्छे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़